या तो इस दुनिया से उठा ले या इस लायक बना दे तो इस अंधविश्वास को इस दुनिया से हटा दे। आप किसी भी बात में ऊपर चढ़ाते हैं, पैसे फेंकते हैं, ये भगवान है झुकारी नहीं। किसी भी देवी के मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, आप पैसे फेंकते हैं। मेरे आज राजगढ़ धाम में तो आज तक भिखारी भीख मांगने नहीं आया। आप किसी भी धार्मिक स्थल राजगढ़ धाम पर छठ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से गूंजा राजगढ़ धाम। ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के अंतर्गत विशाल छठ मेला बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। मां कालिका व बाबा भैरव की महाआरती हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष RTDC राजस्थान धर्मेंद्र राठौड़ एवं केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक नसीराबाद रामनारायण गुर्जर तथा चंपालाल महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया। गौरतलब है कि नवरात्रा के 9 दिन तक निरंतर 24 घंटे प्रज्वलित अखंड ज्योत के दर्शन मात्र से सभी कष्ट व रोग दूर होते हैं व मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव माँ कालिका अखंड ज्योति के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। मेले में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला गुरुवार प्रातःकाल से शुरू हो गया। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हो गए। प्रातः झंडारोहण के साथ छठ मेले के शुभारंभ होते ही श्रद्धालुओं ने मसानिया भैरव व कालिका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हुए मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर विशेष चिमटी प्राप्त की। चैत्र नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत 9 दिनों तक श्री मसानिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ द्वारा देश प्रदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धाम पर प्रज्वलित अखंड ज्योत देश प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है। धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस व प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए, जिससे श्रद्धालुओं के सैलाब को सुनियोजित तरीके से संभाला गया। जिला पुलिस प्रशासन ने शांति व कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस जाब्ता लगाया तथा यातायात पुलिस की ओर से यातायात तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। छठ का मैंने एक ही मांगा भगवान से, या तो इस दुनिया से उठा ले या इस लायक बना दे तो इस अंधविश्वास को इस दुनिया से हटा दे। आप किसी भी बात में ऊपर चढ़ाते हैं, पैसे फेंकते हैं, ये भगवान है भिखारी नहीं। किसी भी देवी के मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, आप पैसे फेंकते हैं। मेरे आज राजगढ़ धाम में तो आज तक भिखारी भीख मांगने नहीं आया। आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, उस मंदिर के बाहर भिखारी भीख मांगता नजर आएगा और मंदिर के दर्शन करने के पहले कोई सेठ साहूकार कार लेके आएगा तो भाई पहली कार के पैसे जमा करा, कार के पैसे जमा करा पार्किंग के। यहाँ पार्किंग नहीं, यहाँ भिखारी नहीं, यहाँ दान पात्र नहीं, यहाँ फूल नहीं, यहाँ माला की दुकान इस राजगढ़ में नहीं मिलेगी। माला के साथ साथ यहाँ दारू की दुकान भी नहीं चलती है, ठेकेदारी भी परेशान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़ अध्यक्ष RTDC राजस्थान ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ धाम का नाम काफी सुना था पर धाम पर आने का सुअवसर पहली बार प्राप्त हुआ। यहां आकर वास्तव में पॉजिटिव एनर्जी आती है, यह धाम अलौकिक धाम है। धाम की सबसे बड़ी विशेषता दान दक्षिणा नहीं लेना बहुत बड़ी बात है और महाराज श्री के द्वारा जो समाज को बचाने के लिए जन कल्याण में नशा मुक्ति का महाअभियान चला रखा है वह काबिले तारीफ है। भैरव जी के इस पवित्र धाम में और नवरात्रा की आज छठ है, दुर्गा पूजा की छठ है, पूरे देश में 9 दिन ये जो शक्ति की हम पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक दिन है तो, और रमजान का महीना है, ये महीना रमजान का भी है तो बहुत पवित्र महीना हुआ है। और जैसा मुझे जानकारी मिली है कि ये ऐसा धाम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब यहाँ रहते हैं भाई भाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे धाम में उपस्थित महाराज चंपालाल जी हमारे साथ में और राजस्थान सरकार में अभी केश कला बोर्ड के चेयरमैन जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है सम्माननीय महेंद्र जी गहलोत साहब, यहाँ के
विधायक रहे। केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने भी धाम की प्रशंसा करते हुए मंदिर कमेटी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबा के दरबार में इस पवित्र प्रांगण पर विराजमान हमारे परम सदे हमारे गुरुदेव आदरणीय श्रीमान चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहे इस कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान सरकार के मिनिस्टर आरटीडीसी के चेयरमैन और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी सरदार धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हमारे बीच बता रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं। यह सह परिवार यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे बीच पूर्व विधायक रामनाथ जी गुंदर साहब जी विराजमान है, पूरी टीम भाई करण सिंह जी राठौड़ साहब और पूरी मंदिर कमेटी की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। छठ मेले के अवसर पर राजगढ़ धाम पर चल रहे नशा मुक्ति महाअभियान के अंतर्गत चंपालाल महाराज की प्रेरणा पाकर श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से हाथ उठाकर जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का संकल्प लिया। राजगढ़ छठ मेले में देश प्रदेश के विभिन्न प्रांतों पंजाब मध्य प्रदेश गुजरात हरियाणा राजस्थान सीकर झुंझुनू जयपुर करौली भरतपुर अजमेर चूरू सवाईमाधोपुर आदि राज्यों व जिलों से विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु अपने साथ लाए झंडों को चक्की वाले बाबा के मंदिर से मुख्य मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक डीजे की धुन पर गाजे बाजे के साथ नाश्ते गाते लाए और बाबा भैरव व मां कालिका के मंदिर पर झंडे चढ़ाए, जिसमें पंजाब से आया झंडा श्रद्धालुओं और ग्रामवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। पंजाब से आए श्रद्धालुओं ने चंपालाल महाराज का स्वागत पगड़ी पहनाकर व कृपाण भेंट कर किया। नवरात्र छठ मेले में चूरू सीकर से हजारों झंडों के साथ श्रद्धालु जुलूस के रूप में भैरव धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जुलूस में डीजे की धुन के साथ ढोल ढमाकों के साथ नाच गाकर दर्शनार्थियों का मन मोह लिया। धाम पर विशाल छठ मेले के अवसर पर प्रातः चंपालाल महाराज के सानिध्य में हजारों श्रद्धालुओं ने चक्की वाले मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के श्रीमुख से बाबा भैरव व मां कालिका के जय घोष से राजगढ़ धाम गुंजायमान हो गया। मेले में आए हुए हजारों श्रद्धालुओं के लिए श्री मसानिया भैरव धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भंडारा किया गया। भंडारा भैरव धाम पर नवरात्र के 9 दिनों से ही संचालित हो रहा है। इस मौके पर धर्मेंद्र राठौड़ अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान, महेंद्र गहलोत केशकला बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस सचिव महेंद्र सिंह रालावता, पूर्व मंत्री विधायक अनिता बदेल, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व चेयरमैन गुलाबपुरा धनराज गुर्जर, सरपंच नांदला मान सिंह रावत, सरपंच भवानी कीड़ा ज्ञान सिंह रावत, सरपंच श्रीनगर दिलीप राठी ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की तथा बाबा भैरवनाथ व चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजमेर, राकेश गुप्ता उपखंड अधिकारी नसीराबाद, पूनम बरगढ़ व्रता अधिकारी नसीराबाद, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भंवर सेन, तहसीलदार नसीराबाद राजेश मीणा, थानाधिकारी सदर नसीराबाद, पार्षद नौरत गुर्जर, बी एस शेखावत, सहायक अभियंता सराधना, विपुल सैनी सहित अनेक लोगों ने मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की। इस नवरात्रि के पर्व पर छठका मेले का आयोजन किया गया है, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने आए हैं और सभी श्रद्धालुओं को सभी व्यवस्था सुचारू रूप से मिली है। सभी के लिए पानी चाय भोजन सबकी निशुल्क व्यवस्था यहाँ धाम की तरफ से की गई है। महाराज जी के द्वारा जो महाराज जी के नेतृत्व में सभी विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी की पूरी तरह से पालना की है और यह सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं। श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिल रही हैं और मैं ये माता के चरणों में नमन करके ये ईश्वर से अरदास करता हूं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो और इस धाम की विख्याति बढ़ती रहे। थैंक यू।